हम ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे, इसकी स्ट्रक्चर, इसकी जानकारी हम पहले आपको दे चुके थे, और आज का हमारा टॉपिक है रुधिर वर्ग। ब्लड ग्रुप, ये ब्लड ग्रुप अब होता क्या है? देखिए, सबसे पहले इसकी जानकारी किसने दी थी वो देखते हैं। सबसे पहले इसके बारे में बताया था एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था कॉर्ल लैंड स्टीनर। उन्होंने सबसे पहले इसके बारे में बताया था, और कब बताया था उन्होंने, बताया मतलब उनका टाइम था, ये टाइम था, और उन्होंने किसने बताया था, कॉर्ल लैंड स्टीनर ने बताया था। उन्होंने बताया था इस तरीके से कि ब्लड में ऐसे वर्ग प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए क्या होता है कि आप भी जानते हैं, कभी अगर प्रॉब्लम हो जाती है, अगर ब्लड में कमी हो जाती है, शरीर में ब्लड की कमी हो जाती है, या फिर मान लीजिए कि कोई दुर्घटना हो जाती है, तो क्या करते हैं, रुधिर का आदान प्रदान करते हैं, यानी कि शरीर क्या करते, रुधिर का आदान प्रदान करते हैं, दूसरे व्यक्ति को क्या किया जाता है, रुधिर दिया जाता है। अब क्या होता है कि ये जो ब्लड हम दे रहे हैं, ले रहे हैं, उसमें क्या होना चाहिए कि देने वाले व्यक्ति को तो क्या बोलते हैं हम, पहले ये देखिए, जो व्यक्ति रुधिर देता है, यानी जो ब्लड देगा, उसको बोलते हैं हम दाता, और जो व्यक्ति रुधिर ग्रहण करेगा, यानी जो ब्लड, जिसको ब्लड चढ़ाया जाएगा, जिसके अंदर कमी है, उसको हम बोलते हैं ग्राही। जिसके ब्लड चढ़ाया जाएगा वो तो होता है ग्राही, क्योंकि वो ग्रहण कर रहा है, और जिस व्यक्ति का ब्लड दिया जा रहा है, जिसने ब्लड डोनेट किया है, वो होता है दाता। तो जब ये ब्लड का आदान प्रदान हो, उस टाइम क्या होना चाहिए कि दाता और ग्राही दोनों के जो ब्लड ग्रुप है वो समान होने चाहिए। इन दोनों का क्या होना चाहिए, रक्त समान होना चाहिए। देने वाले का भी और लेने वाले व्यक्ति दोनों का ब्लड क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, मान लीजिए अगर गलती से एक व्यक्ति है, उसको क्या कर दिया गया, गलती से उसको दूसरे वर्ग का ब्लड चढ़ा दिया जाए, उसको क्या कर दिया, दूसरे वर्ग का ब्लड दे दिया, खुद के ब्लड का नहीं कि डिफरेंट का, तो क्या होगा कि उसके ब्लड के अंदर वो दूसरे व्यक्ति का ब्लड सर्वाइव नहीं कर पाएगा, और क्या बन जाएगा, रक्त का थक्का बन जाएगा, जम गया वो ब्लड। तो अब क्या हो जाएगा, जब रक्त की जगह जम ही गया है तो उसका फ्लो भी नहीं हो पाएगा, रक्त का प्रवाह रुक जाएगा, और जब ब्लड ही फ्लो नहीं हो रहा, ब्लड लगातार फ्लो होता है, हर एक चीज़ की सप्लाई करता है, जरूरी पदार्थों की, ऑक्सीजन की, तो क्या हो जाएगा, व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर दूसरे का ब्लड चढ़ा दिया, और पहले से उसका दूसरा ब्लड ग्रुप है, और दूसरे ग्रुप का ब्लड उसके अंदर चढ़ाया है, तो क्या हो जाएगा, उसके साथ कॉम्बिनेशन नहीं कर पाएगा, उसकी क्लोटिंग हो जाएगी। ये आप कैसे याद रख सकते हैं, देखिए आप किसी इंसान को दोस्त बनाते हैं तो आप उसी इंसान को बनाते हैं जो आपके टाइप का होता है, और ऐसे बोलते हैं उसका दुश्मन है, दुश्मन किसको बोला, जिसके विपरीत है, जिनके गुण मिलते नहीं है, जिनके अपोजिट कैरेक्टर्स हैं, तो वो दुश्मन होता है, और दुश्मन नहीं बनती आपस में, दोस्त हो आप ही किसी दूसरे व्यक्ति के साथ नहीं बन रही, आप उसको दुश्मन मानते हो, तो क्या हो जाएगा, दुश्मन तो मार काट करेगा, वो तो खत्म ही करेगा, इसीलिए जब दूसरे वर्ग का ब्लड चढ़ा दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगी। क्यों, क्योंकि उसने क्या कर दिया, उसने ब्लड का फ्लो रोक दिया, और बॉडी में पूरे हर जगह पे ब्लड प्रेजेंट है,
और वो क्या कर रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है, जरूरी पदार्थ दे रहा है। ऑक्सीजन हमारे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सांस लेने के लिए, और हर कोशिका तक ऑक्सीजन का पहुँचना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर उसको दूसरे वर्ग का ब्लड दे दिया तो उस व्यक्ति की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए बोला गया है कि जब आदान प्रदान हो उस टाइम दाता और ग्राही, लेने वाले का और देने वाले का, दोनों का ब्लड कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। अब देखिए ब्लड के अंदर क्या होता है, रक्त के अंदर दो प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। फर्स्ट होती है प्रतिजन, इसको इंग्लिश में एंटीजन बोलते हैं। सेकंड होता है प्रतिरक्षी, इसको क्या बोलते हैं, एंटीबॉडी बोलते हैं। ये दोनों प्रेजेंट होती हैं ब्लड में, प्रतिजन और प्रतिरक्षी। प्रतिजन को तो क्या बोला, एंटीजन, और प्रतिरक्षी को क्या बोला है, एंटीबॉडी। अब क्या होता है, जिसके अंदर फर्स्ट आता है एंटीजन। एंटीजन क्या होता है मुख्य रूप से, देखिए ये दो रूप में प्रेजेंट है, प्रतिजन या एंटीजन ए और एंटीजन बी। इसकी पहचान कैसे, इसको क्या इंग्लिश के कैपिटल लेटर से लिखते हैं, इंग्लिश के कैपिटल ए बी से प्रेजेंट करते हैं एंटीजन ए और एंटीजन बी को। तो ये तो फर्स्ट हो गया कौन सा, एंटीजन। अब आता है इसके अंदर सेकंड, सेकंड क्या होएगा, एंटीबॉडी। ये एंटीबॉडी इसको कैसे बताएंगे, स्मॉल लेटर्स से, दो हो गई ये भी, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी, इसको इंग्लिश के स्मॉल लेटर से बताया गया है। अब देखिए अब क्या होगा कि हमने बताया कि ब्लड का थक्का बन जाएगा, अब वो रक्त का थक्का किस टाइप से बनता है, मान लीजिए थक्के बनने के लिए क्या चाहिए, किसी के अंदर एंटीजन ए प्रेजेंट है, ए प्रेजेंट है। अब देखिए ये ए है, और इसके साथ में अगर कौन सी एंटीबॉडी जुड़ जाए, ए ही जुड़ जाए, तो क्या हो जाएगा, ब्लड का प्रवाह रुक जाएगा। क्यों, क्योंकि ये तो एंटीजन है, और अगर किसी टाइप की एंटीबॉडी मिल जाएगी तो खत्म कर देगी ना वो भी, क्योंकि वो तो क्या कर रही है, वो तो ऊपर एंटीबॉडी तो क्या करती है, रक्षा तो करती है हमारी, तो वो क्या करेंगे, ब्लड का फ्लो रुक जाएगा, यानी कि सेम सेम होंगी। तो दूसरा अगर मान लीजिए ऐसा एंटीजन हो, कैपिटल बी हो, वो इसके साथ कौन सा जुड़ जाए, स्मॉल बी, ये भी तो बराबर ही है, ये क्या करेंगी, नष्ट कर देगी इसको, तो भी क्या हो जाएगा, ब्लड का फ्लो रुक जाएगा, रक्त का थक्का बन जाएगा, और तब होगी व्यक्ति की मृत्यु। क्यों, क्योंकि उसके अंदर जिस टाइप का ये एंटीजन है उसी टाइप की क्या मिल गई, एंटीबॉडी हो गई, और एंटीबॉडी क्या करेंगी, वो खत्म करेंगे इनको, और तब क्या हो जाएगी, व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। इसलिए बताया गया है कि व्यक्ति का जो रुधिर दे चाहे रुधिर ले, दोनों का ब्लड ग्रुप क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो ये मृत्यु की सिचुएशन भी हो सकती है। इसीलिए देखिए अगर आपका टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ है तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें, और इसके साइड में जो बेल आइकन दिया हुआ है उसको भी ज़रूर दबाएं, ताकि और भी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स हम आपकी क्लियर करते रहें आगे। तो ये यहाँ पे इस तरह से क्या होगा, मृत्यु हो जाएगी व्यक्ति की। क्यों, क्योंकि सेम सेम मिल गए यहाँ पे। अब ये आते हैं ब्लड ग्रुप्स के टाइप, एन के ब्लड ग्रुप जो हैं वो कौन कौन से होते हैं। अब उससे पहले हम आपको बताते हैं यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछता है। देखिए यहाँ पे सीधा ऐसे पूछे कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया, किसने बताया, तो आपको बताना है किसने बताया, कोरलैंड स्टीनर ने।
इसके बारे में और कुछ पूछे कि रुधिर वर्ग के बारे में बताइए, तो आपको क्या बताना है, तो इनका ब्लड समान होना चाहिए। जो रुधिर को ग्रहण करता है उसको ग्राही बोलते हैं, जो रुधिर देता है उसको दाता बोलते हैं। उसके अंदर ब्लड, और अगला पूछे एंटीजन एंटीबॉडी के बारे में बताइए, तो आपको बताना है एंटीजन कौन से होते हैं, कैपिटल ए और कैपिटल बी। एंटीबॉडी कौन से होते हैं, स्मॉल ए और स्मॉल बी। अगर ऐसे पूछ ले कि शरीर के अंदर अगर ब्लड का फ्लो रुक जाएगा तो क्या हो जाएगा, या फिर अगर इस टाइप के एंटीजन के साथ ये एंटीबॉडी मिले तो क्या हो जाएगा, यानी कि तब इसके बारे में ऐसे क्वेश्चन पूछे कि एंटीजन एंटीबॉडी की रिएक्शन के बारे में बताइए, तब आपको बताना है ऐसे कि ये एंटीबॉडी उपस्थित होनी चाहिए, इसके साथ में अगर नहीं होगा, सेम होंगी, तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि ये ब्लड ग्रुप जो हैं इनके भाग कौन कौन से। देखिए जो रुधिर वर्ग है इनको मुख्य रूप से चार भागों में बांटा गया है, चार भाग है इसके। कौन कौन से, ये हैं ए बी, ए बी और ओ, ये कौन से इसके चार भाग हैं, आपको याद रखने ए बी ए बी और ओ, चार टाइप के हो गए। अब इनके अंदर किस टाइप से एंटीजन एंटीबॉडी प्रेजेंट होते हैं हम उसके बारे में बताते हैं, तो इस साइड तो होंगे ये रुधिर वर्ग, यानी कि कौन सा ब्लड ग्रुप है, और यहाँ पे हम लिखेंगे इनके एंटीजन के बारे में, यानी कि कौन सा एंटीजन इनके अंदर प्रेजेंट होना चाहिए, और यहाँ थर्ड में हम आपको बताएंगे कि कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट होनी चाहिए ब्लड के अंदर। तो बारी बारी से देखेंगे, किसके बारे में देखेंगे, इन चारों के बारे में। तो सबसे पहले आता है ए ब्लड ग्रुप। देखिए जो ए ब्लड ग्रुप होता है उसके अंदर एंटीजन, एंटीजन को कैसे लेटर से बताया था, कैपिटल लेटर से ए एंटीजन। तो इनके बारे में हम पढ़ रहे थे, तो पहला इसके अंदर ए ब्लड ग्रुप है, इसके अंदर एंटीजन ए होना चाहिए, तो इसके अंदर एंटीबॉडी कौन सी होगी, बी। एंटीबॉडी को कैसे लेटर से दिखाना है, स्मॉल लेटर से। तो दूसरा ब्लड ग्रुप होता है इसके अंदर बी। अब बी के अंदर क्या होता है, एंटीजन कौन सा होगा, कैपिटल बी। एंटीजन तो इसी टाइप का प्रेजेंट होगा, कौन सा, कैपिटल बी, लेकिन एंटीबॉडी कौन सी होगी, एंटीबॉडी कौन सी होनी चाहिए, अपोजिट होनी चाहिए। अगर मान लीजिए यहाँ पे वही एंटीबॉडी हो जाएगी, वही एंटीजन ए है और एंटीबॉडी भी ए हो जाए, तो आपको पता है क्या हो जाएगा, क्लोटिंग हो जाएगी और ब्लड का फ्लो क्या होगा, रुक जाएगा और इंसान की मृत्यु हो जाएगी। तो आपको ऐसे ध्यान रखना है कि ए जो वर्ग है ना उसमें एंटीजन तो उसी टाइप का होगा लेकिन एंटीबॉडी अपोजिट होगी। तो ए के अंदर ए एंटीजन और एंटीबॉडी कौन सी, बी। अब नेक्स्ट यहाँ पे आता है ए बी ब्लड ग्रुप, तीसरा पढ़ रहे हैं हम ए बी। अभी जो ए बी रक्त समूह होता है इसके अंदर कौन से एंटीजन होंगे, नाम इसका ए बी है तो ए और बी दोनों प्रेजेंट होंगे इसके अंदर। और अब आप खुद सोच के देखिए एंटीबॉडी कौन सी होनी चाहिए इसके अंदर, जब इसके अंदर एंटीजन ए बी है, ब्लड ग्रुप ए बी है, तो एंटीबॉडी कौन सी होगी, ए बी होगी, नहीं होगी, क्योंकि देखिए अगर ए बी एंटीबॉडी प्रेजेंट है तो क्या कर देगी, क्लोटिंग हो जाएगी और व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए यहाँ पे कौन सा एंटीबॉडी जो है, कोई सी भी एंटीबॉडी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होती है, क्यों, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे बताया सिर्फ दो ही टाइप होते हैं, स्मॉल ए स्मॉल बी। अगर वही दोनों प्रेजेंट हो जाएंगे तो इनको क्या कर देगी, ख़त्म कर देगी और इंसान की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो ए बी रुधिर वर्ग होता है उसके अंदर किसी टाइप की कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। नेक्स्ट ब्लड ग्रुप आता है इसके अंदर ओ। ओ जो ब्लड ग्रुप होता है, अब इसके अंदर क्या होता है, किसी टाइप का कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है, एंटीजन एब्सेंट होता है। अब यहाँ पे एंटीबॉडी, एंटीबॉडी यहाँ पे
दोनों टाइप की एंटीबॉडीज इसके अंदर प्रेजेंट होती है। तो इस टाइप से ये जो ब्लड ग्रुप है इसके बारे में अगर आपसे पूछे कि कौन सा एंटीजन और कौन सी एंटीबॉडी है, तो आपको बताना है बारी बारी से इनके बारे में। ध्यान क्या रखना है कि एंटीजन तो वही होंगे जो आप ब्लड ग्रुप ले रहे हो, सिर्फ आपको एंड में ध्यान करना है यहाँ पे, क्योंकि ओ के अंदर किसी टाइप का कोई एंटीजन नहीं पाया जाता। जबकि एंटीबॉडी कौन सी किसमें एबसेंट होगी, एंटीबॉडी जो ए बी ग्रुप होता है उसके अंदर क्या एबसेंट है, एंटीबॉडी एबसेंट है। तो ये चारों क्या है, ये ब्लड ग्रुप हैं ए बी ए बी और ओ। एंटीजन देखेंगे, सबसे पहले तो एंटीजन का ही ध्यान रखना आपको। एंटीजन आप ये ध्यान रखना कि जैसे नाम है उसी टाइप के, ए है तो ए, बी है तो बी, ए बी है तो ए बी, ओ है तो समझ लीजिए जीरो, जीरो से याद रखिए, ओ है तो जीरो यानी कि एबसेंट है, होगी नहीं। एंटीजन में तो ये ध्यान रखना है आपको याद रखने के लिए कि जैसा ब्लड ग्रुप का नाम है उसी टाइप का। अब यहाँ पे जब ओ है तो यानी कि जीरो से ध्यान रखो आप, एबसेंट है इसके अंदर, इसके अंदर क्या नहीं होगी, एंटीजन नहीं होगा। और एंटीबॉडी का ध्यान रखना है आपको कि एंटीबॉडी कैसी होगी, एंटीजन तो वो होंगे जैसा ब्लड ग्रुप है, और एंटीबॉडी कैसी होगी, इनके अपोजिट होगी, एंटीजन के अपोजिट होगी। तो देखिए ए है तो ए के अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि अपोजिट होगी, क्योंकि ए के साथ ए नहीं होगा, और उसके साथ हो जाएगा तो क्या हो जाएगी, व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी, क्लोटिंग हो जाएगी दोनों में, तो यहाँ पे क्या होगा, एंटीबॉडी जस्ट अपोजिट होगी, ये ध्यान रखना है आपको। जैसे कि आपको याद कैसे रखना है, ए लिख दिया, बी लिख दिया, ए बी इसमें ओ यानी जीरो है ही नहीं। एंटीबॉडी का कैसे कि ए है तो इसके अंदर, और एंटीबॉडी के लेटर्स को कैसे डिनोट करना है आपको, स्मॉल लेटर्स से बताना है कि कौन सी एंटीबॉडी है। तो ए के अंदर देखिए हमने बताया कैसी होगी, अपोजिट होगी। ए के अंदर कैसी होगी आप खुद सोच के देखिए, अपोजिट होगी बी हो जाएगी, बी के अंदर अपोजिट होगी ए हो जाएगी। एब्सेंट का कैसे ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान रखना है कि अगर सेम हो जाएगी एंटीजन एंटीबॉडी तो दोनों में रिएक्शन, दोनों के अंदर एक्शन हो जाएगा, और जब वो रिएक्शन होगी, क्रिया होगी उनके अंदर, तो वो क्या हो जाएंगी, क्लोटिंग कर देंगी। तो जब ए बी के अंदर आप सोचो अगर ए बी ही एंटीबॉडी प्रेजेंट हो गई तो क्या हो जाएगी, ख़त्म कर देंगी कोशिका को। तो आप जब कोशिका को तो ख़त्म करना ही नहीं है, जिंदा रहना है, तो इसके अंदर क्या है, एंटीबॉडी एब्सेंट है। और नेक्स्ट आता है जब इसके अंदर एंटीबॉडी एब्सेंट है तो ओ है, कोई एंटीजन नहीं है, तो इसके अंदर दोनों टाइप की क्या प्रेजेंट होंगी, एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, वो क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछेगा कि ए रुधिर वर्ग के अंदर किस टाइप की एंटीजन एंटीबॉडी पाई जाती है, बी में कौन सी एंटीजन एंटीबॉडी पाई जाती है, या फिर ऐसे ब्लड ग्रुप का नाम बताइए जिसके अंदर एंटीबॉडी एब्सेंट है, या ऐसे ब्लड ग्रुप का नाम बताइए जिसके अंदर एंटीजन एब्सेंट है। तो आप यहाँ से बता सकते हैं आराम से, आपको यहाँ पे रटना नहीं है, आपको बिल्कुल ऐसे ध्यान रखना है, नाम कौन से हैं इनके, ए बी और ओ। एंटीजन कौन से होंगे, इनके नाम के हिसाब से होंगे, ए होगा ए में ए, बी में बी, ए बी में ए बी, और ओ है इसका मतलब जीरो होगा ही नहीं। और आपको याद कैसे रख सकते हैं इसको, देखिए एंटीजन है, एंटीजन के अंदर भी एक एब्सेंट होगा चारों ब्लड ग्रुप में, एंटीबॉडी के अंदर भी एक एब्सेंट होगा। एंटीजन में तो पता चल गया यहाँ पे है, दूसरे में ध्यान रखना इसमें फोर्थ पे है तो इसमें थर्ड पे एब्सेंट होगा पदार्थ, तीसरे जो हिस्सा है वहाँ पे एंटीबॉडी एब्सेंट होगी, ऐसे आपको याद रखना है। और इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन बनता है ब्लड ग्रुप के बारे में कि कौन कौन से होते हैं और उसके अंदर कौन कौन से एंटीजन और एंटीबॉडी प्रेजेंट होते हैं। तो ये था इन ब्लड ग्रुप के बारे में कि रुधिर वर्ग क्या क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो कमेंट और लाइक करके हमें अप्रिसिएट करें, और टॉपिक से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन को आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, यहाँ आपको हर क्वेश्चन का रिप्लाई दिया जाएगा। और हमारे वीडियोस को रेगुलर पाने के लिए इंटरनेट पढ़ाई को सब्सक्राइब करें, और इस क्वालिटी एजुकेशन के मिशन को पूरा करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक पहुँचाने के लिए व्हाट्सएप एंड फेसबुक पर शेयर करके हमारा साथ दें।